नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। आइए एक नजर डालते हैं दिन के टॉप 10 बुलेटिन पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर रवाना, नेहरू चौक से हुंकार की तैयारी, भाजपा का दावा, ये रैली राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह मर्डर केस में 3 शूटर्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली में कूड़े का नया पहाड़ नहीं बनने देंगे, बोले अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग से झुलस कर 3 की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूएन में भारत का सीए पर जवाब, ये भारतीयों को नागरिकता देता है, उनसे सिटीजनशिप छीनता नहीं। भारत में ट्विटर ब्लू के लिए 719 रुपए, ये कीमत अमेरिका से भी ज्यादा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 का उद्घाटन और केपे गौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंचे अमिताभ और अभिषेक बच्चन, फिल्म ऊंचाई की सक्सेस के लिए लिया बप्पा का आशीर्वाद। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।